जय दोस्तों, मैं एयरवेटन कॉर्पोरल मोरारगन चेल से। दोस्तों, आप लोगों ने कल मेरा वीडियो देखा होगा। अगले महीने 20 तारीख से दिल्ली में धरना शुरू होगा और ये धरना जो है किसी एक आदमी का नहीं है, हम सबका। दोस्तों, ये धरना के दौरान आप लोगों को जो है बहुत चीजों के बारे में बात करने पड़ेगी और ऐसे एक ही टॉपिक के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। और इस धरने के एक और मकसद है, जो चीज हम आपस में बात कर रहे हैं ना, ये हम अभी हम पब्लिक को भी बताएंगे कि अब आखिर हम लड़ क्यों रहे हैं। दोस्तों, अभी मेरा जो है आज से लगातार जो है मैं वीडियो बनाऊंगा प्राइम मिनिस्टर साहब और रक्षा मंत्री के नाम पे, और उसमें कमेंट कोई डाल नहीं सकता, कमेंट बंद कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है लोग थोड़ा गाली वाली दे देते हैं कमेंट में। इसलिए जो है जो भी मैं पोस्ट पीएम साहब और रक्षा मंत्री के लिए डालूंगा उसमें कमेंट आप नहीं डाल सकते हो। दोस्तों, उसमें हम सच्चाई बताएंगे उनको, आखिर वार ओपी क्या है और वार ओपी का असली हकदार कौन है और किस तरह हमारे साथ नाइंसाफी हुआ, एक एक करके। यानी कि आज जो मैं स्टार्ट करूंगा शहीद परिवार का, यानी कि लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर्स के आज स्टार्ट करूंगा, हर एक वर्ग का, किसी वर्ग को नहीं छोड़ूंगा मैं। लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर से लेके फैमिली पेंशनर, फिर उसके बाद जो है आनरी हवलदार, आनरी नायक, सबका जो है प्रूफ के साथ मैं वीडियो बनाता रहूंगा आज से। और वो उसका जो हेडिंग होगा, ऑनरेबल पीएम साहब और ऑनरेबल रक्षा मंत्री साहब और मेरा नाम होगा। दोस्तों, उसमें आपको पता चलेगा सच्चाई क्या है, दूध के दूध पानी के पानी। जनरल दिन में या से पहले से हमारे साथ धोखा कैसे हो रहा था, ये चीज आप लोगों के समझ में आ जाएगा। ये हम नहीं बताएंगे, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ कौन सा पॉलिसी लेटर था, ऑफिशियल मेमोरेंडम क्या है उसका, ये सारे चीज जो है हम बताएंगे। और जब दिल्ली में जो है जब धरना में हम शामिल होंगे उस टाइम सबको जो है उसका कॉपी भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोस्तों, ये शुरू से, अभी से नहीं, शुरू से जेसीओ जवान के साथ किस तरह का भेदभाव हुआ है और कैसे हमारे साथ जो है इन लोगों ने नाइंसाफी किया। जो मेजर जनरल सतबीर सिंह कहता है ना, डिग्रेडेशन, एक हमारे आज सबका नाम बताता हूं जिन लोगों ने डिग्रेडेशन के बारे में बात किया। एक मेजर जनरल सतबीर सिंह ने बात किया डिग्रेडेशन, एक लेफ्टिनेंट जनरल कैडियन, उन्होंने बोला ये हम पैसा के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। एक हमारे जनरल मालिक, उन्होंने भी बोला कि ये जंग जो है हमारे इज्जत के लिए, किसी ऐसा अफसर नहीं है जिसने मतलब ये शब्द यूज नहीं किया हो डिग्रेडेशन। इसका मतलब कि आपका डिग्रेडेशन, और जो हमें सड़क पे जो लाने वाले जो आप लोग हैं, हमारा डिग्रेडेशन नहीं है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे जो चीज है, हम सबसे पहले ये सारे प्रूफ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब को और रक्षा मंत्री साहब को बताएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर एक कंपनी में लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका जो पूरा के पूरा जो क्रेडिट जो है उस कंपनी का जो है जनरल मैनेजर को मिलता है, या नहीं तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उसका मतलब मालिक को मिलता है। ये जो गवर्नमेंट भी ऐसा ही है, अगर कोई भी काम 100% सक्सेसफुल हो जाता है तो आप समझ लो कि मतलब
पूरा क्रेडिट जो है उस मंत्री को और प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलता है। लेकिन जब काम सही ढंग से अगर नहीं हुआ, अगर कोई भी बदनामी है तो किसको वो बदनामी किसके ऊपर जाता है? वो स्टाफ के ऊपर जाता है, वो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो अपने ऊपर नहीं लेते। हम सबको मालूम है कि 2014 के बाद कितनी दफा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, रक्षा मंत्री और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, ये सारे जो लोग जो है कितनी बार कहां कहां वो आरोपी के बारे में सीने पे हाथ रख के बात किया, सीना ठोक के बात किया कि जो काम मतलब 40 साल में लटका हुआ था वो हम करके दिखाया, हमने वो आरोपी दिया, किस ढंग का किस टाइप का वन रैंक वन पेंशन दिया है इसके बारे में एक एक पन्ना जो है, एक एक पन्ना, एक एक सच्चाई हम ओपनली यूट्यूब में डालेंगे। वो ऐसे सच्चाई होगा जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। दोस्तों हमारे जो है ना, ये जो 70% या कुछ भी हो, आज ये एक्स प्रूफ वाला कह रहे हैं ना कि एक्शन हुई, इसके बारे में भी चिट्ठा खोलूंगा मैं भी। ये क्यों लेके आया, कौन है रीजन, वजह कौन है, वजह किसके वजह से ये सारे चीज हुआ, ये सारे चीज जो है अभी आज मेरा वीडियो है 2:30 बजे निकलेगा और 2:30 बजे हम सच्चाई बताना स्टार्ट करेंगे। ये आपकी मर्जी है, अगर लाइव में सुनना चाहते हो आप लाइव में सुन सकते हैं और लाइव में आप सवाल कर सकते हो, लेकिन कोई कमेंट नहीं डाल सकता, कमेंट कोई भी नहीं डाल सकता वीडियो खत्म होने के बाद। रोज दोपहर को 2:30 बजे हम वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो चलता रहेगा आंदोलन खत्म होने तक। 20 तारीख को हमारे आंदोलन शुरू होगा और लगातार हम सच्चाई बताते रहेंगे कि किस कौन कौन शामिल है। कुछ लोगों का फोन आया था कि आपका हम पेंशन बंद करवा सकते हैं, उनका गलत फहमी है, किसी का पेंशन कोई बंद नहीं कर सकता। मान लीजिए अगर बहुत ताकतवर है, अगर किसी कारण पेंशन बंद भी अगर करेगा तो भी आप लोगों को मालूम नहीं है, कम से कम 50,000 से लेके 1,00,000 ऐसे पेंशनर है जिनका जो पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा है, गवर्नमेंट के पास। ये लोग जो है हर स्टेट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो 1,00,000 पेंशनर है ना, उनको अगर मैं मदद करना ढूंढते अगर मदद करना स्टार्ट करूंगा ना, अगर एक एक पेंशनर अगर 100 रुपए भी दे देंगे, ज्यादा नहीं 100 रुपए भी अगर दे देंगे खर्चा निकाल के, तो भी जो है 1 करोड़ रुपए जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में पेंशन में नहीं कमा सकता हूं। दोस्तों इसलिए जो है मेरे को ये टेलीफोन पे धमकाना छोड़ दो, पेंशन बंद करवा देंगे, क्योंकि हम पेंशन के पीछे भाग नहीं भी है। हाँ पेंशन की वजह से हमारा गुजारा होता है, लेकिन पेंशन हम भीख नहीं मांग रहे, पेंशन हमारा हक है। और आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि पेंशन के लिए होम सेविंग एलिमेंट के नाम पे किस तरह पैसा हमारे पैसा काटा है। दोस्तों ये हर चीज का जो है हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ढूंढ रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है ना, जो अभी जो यूट्यूब में जो सिविलियन हो या कोई भी हो, जो भी बनाते हैं टेबल्स, कैलकुलेशन, कंपैरिजन, अरे कंपैरिजन टेबल्स में क्या करोगे? आपके कंपैरिजन टेबल की वजह से क्या चेंज हो जाएगा? आप सोच लो, ये टेबल निकलने के 3 दिन बाद जो है एक सैनिक नाम पे जो एक कर रहा, जिसका मतलब सब्सक्राइबर 10,00,000 से ऊपर है, वो डाल रहा है वीडियो खुशखबरी, जवानों को इतना मिलेगा, और वो मतलब
अरे हमें ऐसे नहीं चाहिए। तुम बोलो कि जो हम जब जब कहते हो कि हमारे साथ ना इंसाफी हुआ है, ना इंसाफी के खिलाफ आगे क्यों नहीं आते हो? जीएमडी नहीं है, जीएमडी होना चाहिए। अरे सर्विस में तो मतलब मस्का लगा लगा के आम रैंक तक पहुंच गया, आज भी वही कर रहे हो। क्यों गवर्नमेंट से डरते हो क्या? सच्चाई बोलने से क्यों डरते हो? लोगों को सुबह से शाम तक जो है लेटर पढ़ के सुनाते हो। क्यों लेटर पढ़ के सुनाते हो? सर्कुलर क्यों पढ़ के सुनाते हो? क्या इतना भी मतलब अनपढ़ लोग हो क्या? अरे जब एक बार बोल दिया कि आप लोगों को कम मिल रहा है, फिर किस तरह कम मिल रहा हो? 10 तारीख 10 साल का क्या है, 15 साल का क्या है? अरे उससे हमारा क्या मतलब है? जब हमारे साथ ना इंसाफी हुआ है, ये ना इंसाफी किस तरह दूर करना, इसके लिए किस तरह का आंदोलन करना? अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख अगर सड़क पे बैठना तो कहां कहां से आएंगे लोग? ये सोचना चाहिए। बोलो कि मैं फलाना डिस्ट्रिक्ट से हूं, फलाना तहसील से हूं, फलाना स्टेट से हूं, हम दिल्ली नहीं आ सकते, हम अपनी स्टेट में करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, अपने तालुक में करेंगे, अपने मतलब अपनी तहसील में करेंगे। 100 आदमी हम इकट्ठे होकर नारा लगाएंगे, फिर जो है लेटर भेजेंगे हम उस स्टेट का जो है गवर्नर के थ्रू, हम गवर्नमेंट को लेटर भेजेंगे, हम मीडिया वालों को बताएंगे, जनता को बताएंगे सच्चाई। क्यों नहीं आ रहे हो? अरे इस तरह का वीडियो डालो डेली, सुबह से रात तक यही एक्स ग्रुप नायब सूबेदार का इतना, वही ग्रुप नायब सूबेदार का 15 साल में इतना मिला, 16 साल में इतना मिला। अरे ये तो टेबल देखने के बाद सबको मालूम है। अभी जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, वो आगे क्यों आ रहा है? क्योंकि वो अच्छा मतलब मैं ये मानूंगा कि मतलब सोल्जर उसको बोलते हैं, सिपाही उसको बोलते हैं जो लड़ने से नहीं डरता हो। उनका भले जो है वो संगठन इतना मतलब बड़ा नहीं कर रहा हो, हर एक संगठन के जो अध्यक्ष है सबको बुला के 22 तारीख को मीटिंग रखकर फिर सबको समझाया कि किस तरह हम वो करने वाले हैं। दिल्ली में जो संगठन, इतने संगठन है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, ये लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? कपिल जी हम आपके साथ है, मोहन जी हम आपके साथ है, हरपाल जी हम आपके साथ है। अरे आपके साथ क्या है? हमारे साथ ही होना चाहिए। बोलो कि हम भी उस दिन वहां रहेंगे। हमें साथ नहीं चाहिए, हमें हाथ चाहिए। दोस्तों ये जो है, ये लड़ाई जो है ना, मान सम्मान का है। अगर मान सम्मान की लड़ाई में जो भाग नहीं लेगा ना, वो किन्नर से भी किन्नर कहते हैं ना, आदमी औरत किन्नर, ये तीन जात से भी नीचे है वो। आपको आपको हम किस में तोलना है? आपको एक सिपाही के रूप में देखना है या दूसरे रूप में देखना है, ये तय करना आपके हाथ में है। लेकिन लड़ाई जो है मान सम्मान का है, और आप तैयार हो जाओ 20 तारीख के लिए। हम रोज इसके बारे में भी वीडियो डालेंगे, और आज के जो वीडियो 2:30 बजे हम प्राइम मिनिस्टर के नाम पे जो डालेंगे, उसमें हम सच्चाई बताएंगे कि जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर, जो शहीद परिवार और बैटल कैजुअलिटी पेंशनर के साथ किस तरह का जो है अन्याय हुआ है, ये हम आपको जो है आज समझाएंगे। और पीएम का जो भी वीडियो डालूंगा 10 मिनट से ज्यादा नहीं, और पूरा 10 मिनट के 10 मिनट आप सुबह मतलब शुरू से लेके अंत तक देखो, तभी आपको मालूम पड़ेगा। हो सके तो वो वीडियो जो है आप शेयर करो लोगों के, अपने साथियों को और अपने रिश्तेदारों को, अपने जो सिविलियन भाइयों को, क्योंकि ये चीज जो है प्राइम मिनिस्टर को जो भी मैं डालने वाला हूं, वो सिविलियन मतलब पेंशनर और सिविलियंस को भी पता होना चाहिए। जो आम आदमी है, आम जनता है, उन तक वो मैसेज पहुंचना चाहिए, ताकि
जवानों के बारे में उनको सच्चाई मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि जवानों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है। वो यही सोचते हैं, जवानों को फ्री में खाना मिलता है, फ्री में दारू मिलता है, फ्री में फलाना ढिकाना और अच्छा पेंशन 101 पेंशन में मिलता है। ये जनता का गलत फहमी है। अगर वो गलत फहमी दूर करना है तो ये जो वीडियो मैं प्राइम मिनिस्टर के नाम पे डालूंगा ना, वो वीडियो जो है आपको जरूर 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 सिविलियन के हाथ में भी पहुंचना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।